नालागढ़ स्वारघाट रोड पर गोलजमाला गांव में देर रात चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया और हजारों की नकदी व सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। आस पड़ोस के लोगों ने जब दुकानदारों के इस मामले की सूचना दी तो वे मौके पर पहुंचे और देखा कि शटर के ताले टूटे थे और दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में रखा कैश भी गायब था, जिस पर दुकानदारों ने इसकी सूचना नालागढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मैं तो नहीं, सुबह मेरे को कोई 5:30 बजे मेरे लड़के को फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी दुकान पे है जो ताले टूटे हैं और शटर वगैरह हाफ हैं, खुले हैं। तो सर फिर हम घर से आए तो उस टाइम पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी। मान लो फिर उन्हीं की मौजूदगी में हमने जो अंदर अपना सामान चेक किया तो उसमें पाया ना जी, जो एक मेरे पास गुल्लक था जिसमें हम जो भी अपनी सेविंग है 200-400 उसमें डाल देते थे, जैसे दिवाली का भी कोई पटाखा वगैरह बिका तो उसकी भी सेविंग जो थी उसमें डाली हुई थी। तो फिर जो मेरा गल्ला था उसमें भी कुछ कैश था मेरा। तो सर जब मौके पे पाया गया तो मेरा सारा सामान जो है अस्त व्यस्त हुआ था। तो जब वो गुल्लक ढूंढा तो हमें गुल्लक मिला नहीं। फिर जो भी मेरा गुल्लक गल्ला भी था मेन दुकान का, जो जितने भी दराज थे वो सारे खुले हुए पाए गए और सारा सामान जो था वो इधर उधर बिखरा पड़ा था जी। तो उसमें सब जब चेक किया गया तो जो हमारा गुल्लक था ऊपर जो हमारी टॉयलेट है उस टॉयलेट के पास हमें टूटा हुआ मिला। तो वो पुलिस वालों ने भी देख लिया था और उनको दिखा भी दिया जी, गुल्लक यहाँ पड़ा है। तो और जो दुकान में जो गुल्लक में मेरे में जो गल्ले में भी कैश था ना जी, मेन गल्ले में, तो वो जो भी था उसमें चिल्लर थी, जो पैसा भी था, जो नोट थे, वो कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल साफ़ कर दिया जी उन्होंने। कम गुल्लक में तो कोई 20-25 हज़ार होगा सर, क्योंकि इतना तो कोई नोट नहीं करता, जो 200-500 हमें बचता था उसमें डाल देते थे। जब हमें ज़रूरत होती तो गुल्लक खोल के हम अपना निकाल के उसको अपने यूज़ कर लेते थे जी। सर दुकानें जो हमें पता चला जी, तो एक तो मेडिकल स्टोर है जी ये सामने अपना, तो फिर एक हमारे बगल में सैलून वाला है तो उसका भी जो है ताला टूटा है जी, उस मेडिकल स्टोर वाले का भी। और बाकी ये भी हमारी दुकान है जी, मेरी दुकान कपड़े में बगल में, तो इसका भी छेड़छाड़ की गई, इनका उनसे लॉक नहीं टूटा, मेरे वाला ताला तोड़ के जी सर। तो फिर मेरा जो है सामान भी बीच में कुछ बूटों के बॉक्स खाली है और उसमें से कुछ जैकेट भी है जो वो भी नहीं है वहाँ पे कुछ पीस। तो अभी तो जैसे धीरे धीरे सामान चेक करके सेट कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि क्या क्या गया है। ये सामने जो रोड है ना जी, अपने रोड के बगल में सरकारी सीसीटीवी लगे हुए हैं जी, तो उनका फोकस है जो पता नहीं कहाँ तक उनकी रेंज है जो भी है, तो फिर वो उधर उधर तक जो भी है अब क्या इंक्वायरी होगी जी क्या। तो बेचारे पुलिस वाले आए थे। चोरियाँ तो वैसे प्रयास तो कई बार हुआ है, एक बार हमने मौके पे कुछ साल पहले चोर को दबोचा भी था। अब गोलजमाला में ही हुई है, एक मनियारी की दुकान है हमारे से पिछली साइड, नाम मेरे को इनका पता नहीं है क्या है बेचारियों का। एक इनकी टूटी हुई है, एक नाई की दुकान टूटी हुई है, एक मेरी दुकान में मेडिकल स्टोर है वो टूटा हुआ है, तो बाकी एक साथ में कपड़े वाली उसका भी प्रयास किया हुआ है तोड़ने का। और बाकी हमें पता नहीं, पीर बाबा भी बता रहे हैं वहाँ का भी गल्ला टूटा हुआ है, इतना काम किए हुए रात में। मौके पर आई है, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन पहले भी कई बार आई है, लेकिन अब तक होएगा कुछ कि नहीं।